अगर रक्षाबंधन पे आपको भी भाई के लिए या फिर किसी को भी गिफ्ट करने के लिए मिठाई बनाना है या मार्केट से नहीं लाना है, घर पे ही मार्केट जैसी मिठाई बनाना है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनेगी और कम खर्चे में, कम टाइम में बनने वाली मिठाई बना के बताऊंगी। और एक ही रेसिपी से आप दो रेसिपी बना सकते हो, यानी जितना हम बैटर बनाएंगे उसे आप दो तरीके की मिठाई बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है। नमस्कार, मेरा नाम सीता कुमाऊत और मेरे चैनल सीतास कुकिंग में आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। मिठाई बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप बेसन। ये बेसन बारीक वाला है। अगर आपके पास में हल्का दरदरा बेसन हो तो आप उसकी मिठाई बनाना। मेरे पास में बारीक वाला बेसन है, इसके लिए मैंने 1 कप यानी छोटा कप जितना मैंने सूजी ली है। सूजी से अच्छा टेस्ट भी आएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी मिठाई भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अभी 1 कप मैंने बेसन लिया है, 1 छोटी कटोरी जितना मैंने सूजी लिया है। अभी एक पैन में एक सब्जी बनाते हैं, उतना ही घी लेंगे। घी मैंने देसी लिया है। अभी सूजी और बेसन दोनों को ही हमें भुनना है। सूजी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है भुनने में, इसके लिए सूजी को पहले डाल देंगे और हल्का सा 2-3 मिनट के लिए लो टू मीडियम गैस पे इसको भून लेंगे। ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा भुन जाए उसके बाद में हम इसमें साथ में ही बेसन डाल देंगे। आप देख सकते हो 2-3 मिनट हो गया है मुझे इसको भुनते हुए। अभी इसमें बेसन डाल देंगे। ज्यादा देर तक नहीं भुनना है क्योंकि हमें इसके साथ में बेसन को भी भुनना है। अगर आपको बेसन में सूजी नहीं डालना है, खाली बेसन से ही आपको मिठाई बनाना है, तो आप खाली बेसन से भी बना सकते हो। लेकिन मेरे पास में बारीक वाला है, मुझे दानेदार मिठाई बनाना है। दानेदार मिठाई बनेगी तो खाने में भी अच्छी लगेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अभी बेसन मैंने डाल दिया है, आधा छोटी चम्मच घी की और डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने पहले डाली है, जो सब्जी बनाते हैं वही चम्मच लिए मैंने। 1 चम्मच पहले डाल दिया था और आधी चम्मच मैंने अभी डाल दी है। अभी और घी डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये इतना ही घी काफी है। छोटी से छोटी आपको बात में बताऊंगी ताकि मिठाई आपकी बहुत ही अच्छी बने। और ये मिठाई आपको मैं एकदम सरल आसान विधि से बता रही हूँ, जिसको आप आसानी से घर पे बना सकते हो। इसमें आपको कोई 1-2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, ना ही इसमें चीनी डालना है। बिना चीनी के ही हम मिठाई बना के तैयार करेंगे। अभी आप सोचोगे कि बिना चीनी की मिठाई कैसी बनेगी, लेकिन आप आगे आगे देखते जाइए, वीडियो को आप एंड तक देखना। बहुत ही गजब की मिठाई बनेगी और ये मिठाई हेल्दी भी है और आप शुगर से भी बच सकते हो। चीनी किसी को नहीं सूटेबल होता है, तो मैं ये मिठाई गुड़ से बनाने वाली हूँ। गुड़ की मिठाई आपने आज तक नहीं खाई होगी, अगर आपने नहीं खाई है तो ये मिठाई आप बनाना। एक बार ये मिठाई आप बना के खा लोगे तो चीनी वाली मिठाई खाना तो भूल ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और हेल्दी भी है, कोई नुकसान भी नहीं करती है। अभी देख सकते हो बेसन को मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। 6 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम गैस पे मैंने भुना है और घी भी मैंने नहीं डाला है। अभी और भी दानेदार हमारे लड्डू बर्फी बने, इसके लिए मैं इसमें आधा छोटी कटोरी जितना यानी वजन में करेंगे तो 50 ग्राम इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध मैंने ठंडा लिया है, आप देख सकते हो ये कटोरी लिए मैंने और आधी कटोरी जितना मैंने इसमें दूध डाल दिया है। बहुत ही अच्छी टेस्टी मिठाई बनेगी और एकदम दानेदार मिठाई बनेगी, जैसे कि हलवाई बनाते हैं सेम उसी तरीके की मिठाई बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में आधा कटोरी जितना इसमें दूध डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक लो टू मीडियम गैस पे और चम्मच चला लेंगे। आप देख सकते हो हल्का गाढ़ा हो गया है और अच्छे से ये सूजी और बेसन फूल गया है। अभी इसमें 1 कप जितना गुड़ डालेंगे। गुड़ मैंने देसी वाला लिया है, आपके पास में जो भी हो वो ले सकते हो। और आप गुड़ को नहीं डालना चाहते हो तो आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन चीनी वाली मिठाई तो आपने कई बार बना के खाई होगी या मार्केट से भी लेके आए होंगे, खाए होंगे, लेकिन ऐसी मिठाई आपने आज तक, मेरी गारंटी है, नहीं बना के खाए होंगे या फिर नहीं मिली होगी मार्केट में आपको, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसी मिठाई आई नहीं है। मैंने पहली बार ये मिठाई बनाई है। मैंने बनाया तो मैंने सोचा कि आपके साथ में भी शेयर करूँ। बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है और बहुत ही खाने में भी स्वादिष्ट है, आप देख सकते हो। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आपको इसमें कोई भी चाशनी वगैरह 1-2 तार कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बिना चाशनी बनाई आप ये मिठाई बना सकते हो। गुड़ डालने के बाद में 2 मिनट तक लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से मिक्स करना है, गुड़ मेल्ट हो जाए। उसके बाद में मार्केट वाला मिठाई का लुक देने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। आप ऑरेंज भी डाल सकते हो, येलो भी डाल सकते हो। मैंने येलो कलर थोड़ा सा पानी में छोटी चम्मच जितना यानी चुटकी भर लिया है और आधा छोटी चम्मच जितना इसमें मैंने पानी डाल दिया है और कलर इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही गजब का कलर आ गया है और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, बिल्कुल भी इसमें गाटे वगैरह नहीं है गुड़ की। गुड़ को मैंने बारीक कर लिया था तो जल्दी मेल्ट हो गया है, आप देख पा रहे हो। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है
अभी अच्छा फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ी सी इलायची कुटी हुई डाल देंगे। तुरंत इलायची को कूट के डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी 1 चम्मच जितना मैं इसमें मिलक पाउडर डाल रही हूँ ताकि इसमें मावा की कमी न लगे। अगर आप इसमें मावा डालना चाहते हो तो आप मावा डाल सकते हो। मैंने कोई भी मावा वगैरह कुछ नहीं डाला है, ना ही चाशनी बना के डाली है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना मावा डालना है ना चाशनी बनाना है। मिलक पाउडर इलायची पाउडर डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 मिनट तक और पका लेंगे ताकि मिलक पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से टेस्ट बढ़ जाए। आप देख सकते हो हल्का गाढ़ा हो गया है। अभी इसको ठंडा होने देंगे, आधे घंटे बाद में हाथ से छूने लायक हो जाए तब इसके लड्डू बना लेना है। आप देख सकते हो 20 से 25 मिनट हो गया है, हल्का ठंडा हो गया है। अभी आपको जो भी मिठाई बनाना हो इसके लड्डू बना सकते हो, इसकी बर्फी बना सकते हो और इसकी कोई भी मिठाई सेट में इसका आकार दे सकते हो। मैं इसका लड्डू भी बनाऊंगी और इसकी बर्फी भी बनाऊंगी, दोनों मिठाई एक ही ये बैटर से बना के तैयार करूंगी। दोनों आप देखना और बना सकते हो अपनी पसंद से, या तो लड्डू बना लीजिए या फिर बर्फी बना सकते हो। मैंने ठंडा होने के बाद में इसका मीडियम साइज का लड्डू बना लिया है। आप देख सकते हो हल्का सा घी लगा के लड्डू बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगे। आप देख पा रहे हो एक लड्डू मैंने बना लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरा लड्डू भी बना लेंगे। लड्डू आप अपनी पसंद से छोटे बड़े साइज में आप बना सकते हो। दूसरा लड्डू भी हमारा बन गया है, सेम इसी तरीके से जितने लड्डू बनाना चाहते हो उतने आप लड्डू बना सकते हो। बड़ा छोटा आपको बनाना है तो आप अपनी पसंद से बना लीजिए। ये देख सकते हो 7 से 8 लड्डू मैंने बना लिया है। अगर आपको सारा पेस्ट का लड्डू बनाना है तो आप सारे के लड्डू बना सकते हो, लेकिन मैं एक ही पेस्ट से 2 तरीके की मिठाई बना के तैयार करूंगी। लड्डू मैंने बना लिया है, अभी इसकी बाकी का जो पेस्ट बचा है उसकी हम बर्फी भी बना लेंगे। एक ही पेस्ट से हमारी 2 मिठाई बन के तैयार हो जाएगी, आपको मार्केट से बिल्कुल भी लाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लेट में मैंने हल्का सा घी लगा लिया है और बाकी का जो पेस्ट बचा है वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज का मेरा मिठाई बनाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपके लिए मुझे रक्षाबंधन पे और कौन सी मिठाई बनाना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लेट में मैंने अच्छे से सेट कर लिया इसको। मैं कद्दूकस लिया है और कद्दूकस से थोड़े से बादाम को कद्दूकस करके इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। थोड़े से पिस्ता की कतरे भी डाल देंगे। आप चाहो तो अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो। हल्का सा चम्मच से दबा देंगे। ये हमारी टेस्टी सी मिठाई का भी पेस्ट तैयार हो गया है। अभी इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद में इसका आप काट के कोई भी शेप में मिठाई बना सकते हो। ये देख सकते हो एक ही पेस्ट से हमारी 2 मिठाई बन के तैयार हो गई है। अभी ये मिठाई हमारी सेट हो रही है, 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से ये जम जाए, उसके बाद में कटिंग करेंगे। तब तक हम लड्डू को गार्निशिंग कर लेंगे। अगर आपको ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। अभी मिठाई वाली प्लेट को साइड में रख देंगे क्योंकि 10 मिनट तक इसका काम नहीं है, तब तक हम लड्डू को गार्निशिंग कर लेंगे। मैं इसको काजू का बीच में से टुकड़ा कर लिया है, यानी 2 भाग में कर लिया है। एक एक पीस इसके ऊपर रख देंगे, गार्निश कर लेंगे ताकि दिखने में भी सुंदर दिखे। आप चाहो तो बादाम से भी इसको गार्निश कर सकते हो या फिर काजू पिस्ता अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट से या फिर केसर से अपनी पसंद से गार्निशिंग कर लीजिए। मैंने काजू का एक एक टुकड़ा लगा दिया है। बहुत ही अच्छे हमारे लड्डू बने हैं, दिखने में भी सुंदर दिख रहे हैं और एकदम मार्केट वाला लुक आया है। बहुत ही गजब का हमारा लड्डू बना है और ये मिठाई भी हमारी ठंडी हो गई है। अभी इसको भी कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है। फ्रेंड्स आप मिठाई तो मार्केट से भी लेके आ सकते हो, लेकिन मार्केट में आजकल कोई भी मिठाई बिना मिलावट वाली नहीं मिलती है। तो आप हेल्दी बनाओ और हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बताया है। आपकी मर्जी है, मार्केट से लेके आओ या फिर घर पे बनाओ। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप मार्केट से हेल्दी मिठाई घर पे ही मार्केट जैसी मिठाई बना के आप तैयार कर सकते हो। ये देख सकते हो मैंने चौकोर शेप में इसको काट लिया है। बहुत ही गजब की हमारी मिठाई बनी है। थोड़ी सी मेहनत से और थोड़े से सामान से, वो भी घर में ही सामान मिल जाएगा, वही सामान से हम मार्केट जैसी की जैसी मिठाई बना के तैयार करेंगे और वो भी हेल्दी बिना मिलावट वाली। और जब मन किया कोई भी त्यौहार पे और जब मीठा खाने का मन करे तो आप तुरंत ये बना सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी चाशनी नहीं बनाना है और ना ही आपको घंटों तक पकाना है। बिल्कुल भी कम टाइम में आप ये मिठाई बना के तैयार करना और इंजॉय करना। और रक्षाबंधन पे आप क्या बना रहे हो मुझे कमेंट करना। और ये मिठाई तो आपको जरूर बनाना है, नहीं बनाना है तो अब आपकी मर्जी है। आपकी मिठाई कैसी बनी है और कब बना रहे हो ये मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मुझे भी खुशी हो और मुझे भी ऐसा मोटिवेशन हो कि हाँ मैंने मिठाई जो बना के बताई थी वो आपने बनाई है और आपकी मिठाई कैसी बनी है। आप मुझे कमेंट करना ना भूले।
और मिलते हैं इसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।